मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू ट्रैवल। अभी बजे हैं मॉर्निंग के 7 और मैं हूं अभी बोरीवली स्टेशन पे। आज रविवार का दिन है और आज हम लोग जाएंगे पालघर में कालदुग फोर ट्रैकिंग के लिए। तो अभी थोड़े समय में एके मुझे ज्वाइन करेगा, फिर हम लोग यहाँ से बोरीवली से लोकल ट्रेन पकड़ के पालघर जाएंगे और वहाँ से फिर हम हमारा ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो बने ही रहिए मेरी चैनल पे बॉर्न टू ट्रैवल पे। अभी तक आपने मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। तो एक ही हमें ज्वाइन कर चुका है, तो अभी थोड़े समय में यहाँ से अभी धानू लोकल स्टार्ट होगी, तो हम लोग उसमें बैठ के फिर हम लोग जाएंगे पालघर रेली। वी हैव रीच एट दी पालघर स्टेशन और अभी हम लोग यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग ऑटो रिक्शा पकड़ के जाएंगे वाघोबा टेम्पल, और वहाँ से हमारा जो है वाघोबा टेम्पल जो है वो है बेस पॉइंट और वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये ब्रेकफास्ट में हम लोग ने अभी मंगाया हुआ है कांदा भजी और समोसा पाव, और साथ में हम लोग गर्म गर्म चाय का मजा लेंगे। तो चलिए ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जस्ट नाउ वी हैव फिनिश अवर ब्रेकफास्ट और ये पालघर स्टेशन के बाहर, ये पालघर स्टेशन है और उसके बाहर ही यहाँ पे शेरे ऑटो स्टैंड है। तो अभी हम लोग यहाँ से अभी हम लोग वाघोबा टेम्पल के लिए जा रहे हैं। वी हैव कैच द कैब एंड 30 rupees पर पर्सन इज द चार्जेस पालघर स्टेशन से वाघोबा टेम्पल। रीच एट दी वाघोबा टेम्पल और ये मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो वो वाघोबा देवी का टेम्पल है और लॉट मेनी मंकीज आर देयर। और ये जो मेरे पीछे है वो है पूरा हाईवे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से अभी हमारे ट्रैक की शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग ही एकदम ही खड़ी चढ़ाई से हो रही है एंड ये शार्प इंक्लाइन है। तो अभी चलिए चलते हैं और आगे ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। हमारे ट्रैक जो है 9:55 को स्टार्ट किया है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें। एज पर माई इंफॉर्मेशन यहाँ पे टोटल 1 घंटे का ट्रैक है, ये 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। तो लेट्स सी, टुडे इज़ अ वेरी हॉट सनी डे, तो शायद बीच में थोड़े ब्रेक्स लेके हम लोग जाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। हमारे ट्रैक की शुरुआत ही धमाकेदार हुई है। अभी हार्डली हम लोग ने 20 मिनट का ट्रैक कवर किया हुआ है
और अब लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा ट्रैक जो है वो स्टार्टिंग से ही एकदम ही इंक्लाइन है, वो खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो अच्छे आपके कॉन्फिडेंस लेवल का टेस्ट भी कर लेती है, कहने का मतलब। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे 1-2 मिनट के लिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जंगल के बीचों बीच ये रास्ता भी जा रहा है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई के बाद में अभी थोड़ा फ्लैट वॉक है तो अच्छा लग रहा है। अगर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं तो मेरे पीछे, यहाँ से क्लियर व्यू में भी विजिबल नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग ऊपर काफ़ी हाइट पे हैं। लेट मी टेल यू, यहाँ पे कोई भी फूड स्टॉल या तो पानी का स्टॉल वगैरह आपको नहीं मिलेगा, तो जो भी आपको कैरी करना है वो या तो आप वाघोबा मंदिर के बाजू में एक छोटा सा स्टॉल है वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज पालघर स्टेशन से आप अपने साथ में कैरी कीजिए। हम लोग ने पालघर स्टेशन से हमारे साथ में वाटर बॉटल्स एंड फ्रेश जूस के पाउच लिए हुए हैं, इसके लिए हमें कोई डिफ़िकल्टी अभी हो ही नहीं रही है। लेकिन ये देखिए मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, इट्स अ शार्प इंक्लाइन और अभी काफ़ी ऊपर की तरफ हमें और जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज बहुत ही हॉट सनी डे है, इसके लिए थोड़ा टाइम हम लोग को ज़्यादा लग रहा है। और ये मेरे पीछे है AK। स्टिल वी कैन हेयर द व्हीकल साउंड, तो मेरे हिसाब से हम लोग ज़्यादा ऊपर भी नहीं आए हुए हैं, क्योंकि अभी भी हमें यहाँ से व्हीकल का क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है। और ये मेरे पीछे का ट्रेल देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अभी ये थोड़ा फ्लैट रास्ता आया हुआ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये पूरा जो ट्रैक है वो जंगल के बीचों बीच है और यहाँ पे हमारे सिवाय हार्डली अभी कोई है, तो लेकिन ट्रेल इज क्लियरली विजिबल, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप कभी भी अकेले आते हो तो भी आपके लिए ये इजिली ट्रेसेबल है। फाइनली द स्काई इज क्लियरली विजिबल, ऐसा लग रहा है जंगल के बाहर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे देखे ये पूरा अभी फ्लैट लैंड है। चलिए वहाँ आगे चल के व्यू को एंजॉय करते हैं।
ऊपर जो माउंटेन है वो है हमारा डेस्टिनेशन आज का। बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अराउंड 30-45 मिनट्स का रास्ता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि बीच में अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस जैसा लग रहा है तो आप बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, हैव सम वाटर एंड कंटिन्यू योर जर्नी। After about an hour trekking from the jungle, ये देखिए मेरे पीछे का रास्ता, ये जंगल में से पूरा रास्ता होके जाता है and finally now we can see the top of the hill। ये मेरे पीछे जो आप background में देख रहे हो वो है कालदुर्ग का टॉप, तो अभी वहाँ पर हमें जाना है, तो it's around half an hour journey more। तो चलिए चलते हैं और continue करते हैं। और वो जो फ्लैग आप देख रहे हो वो हमारा डेस्टिनेशन है आज का। फाइनली वी आर अबाउट टू रीच द टॉप। ये ट्रैक मॉडरेट लेवल का है, आई कांट से कि ये इजी लेवल का ट्रैक है। और वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, यू शुड ऑलवेज कैरी इनफ वाटर फॉर दिस ट्रैक। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। फाइनली हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं, लेट मी शो यू। ये है पानी का एक कुंड, लेकिन रिजर्वर में पानी है, लेकिन ये पानी की हालत बहुत ही ख़राब है, ये बहुत ही गंदा पानी है, तो यू कैंट ड्रिंक दिस वाटर। चलिए ऊपर चलते हैं और टॉप में जाके एक्सप्लोर करते हैं व्यू को। और मेरे पीछे ये देखिए, ये जो स्टेप्स हैं वो ऊपर का टॉप है, और यहाँ से मेरे पीछे आप पालघर सिटी का व्यू देखिए, इट्स अ रियली अ मेस्मराइजिंग व्यू। इतना ट्रैक करने के बाद में ऊपर आके ये जो व्यू देखने के लिए मिलता है, इट्स वर्थ कमिंग ओवर हियर। रेनी सीजन में डेफिनेटली यहाँ का व्यू और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग लेवल का ही हो सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल भी उतनी ही बढ़ती आती है, क्योंकि अभी आते हुए हम लोग ने रास्ते में देखा बहुत सारी जगह पे ऐसे कॉर्नर्स वगैरह है जहाँ से पास होना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये देखिए, अभी हमारे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है, एज यू कैन सी। एंड फाइनली वी आर रीच एट दी टॉप ऑफ दी कालदुर्ग फोर्ट। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये पूरा पालघर सिटी है, बीच में एक छोटा सा लेक है, और ये देखिए
अभी हमारे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग व्यू, वाओ। और ये जो है वो स्टेप्स चढ़ के आप ऊपर जाएंगे तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये है वाघोबा डूंगर। अभी विजन थोड़ा विजिबल नहीं है क्लियरली। ये जो है वो वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड में आपको पालघर सिटी पूरा क्लियरली दिख सकता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो पूरा अरेबियन सी है, तो वो अभी आप नहीं देख सकते हो क्योंकि थोड़ा फॉग जैसा है यहाँ पे। और उसके ईस्ट साइड पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे पीछे जो आपको रिवर दिख रही है वो है सूर्या रिवर, और उसके पीछे जो है वो पूरा हिल एरिया है। लेकिन अभी ये थोड़ा फॉगी वेदर होने की वजह से यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। लोग पहुंच गए, फाइनली वी हैव रीच एट द टॉप ऑफ दिस फोर्ट, और ये हमारा समिट पॉइंट है। फाइनली वी हैव मेड दिस। ये देखिए, ये मेरे पीछे जो फोर्ट, ये फ्लैग आप देख रहे हो, दिस इज द समिट पॉइंट ऑफ दिस फ्लैग फोर्ट। और मेरे पीछे का ये व्यू आप देखिए, यू विल रियली अमेज। इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना ट्रैकिंग करने के बाद में आप अगर ऊपर आते हो और एंड यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ व्यू, यू विल रियली अमेज एंड इट्स वर्थ कमिंग। यहाँ पे और एक वाटर स्ट्रीम है, वाटर रिजर्वायर है यहाँ पे, लेकिन उसका भी पानी ड्रिंकिंग के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत ही गंदा पानी है। यू शुड कैरी इनफ वाटर विथ यू। यहाँ पे कहीं पे भी सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, ना कि कोई दुकान या स्टॉल आपको बीच में रास्ते में ट्रैक के लिए मिलेगा। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली आज थोड़ा हॉट सनी डे है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँच के जो सुकून मिलता है और ये जो व्यू एंजॉय करने के लिए मिलता है, तो उसके सामने कोई भी थकावट मायने नहीं रखती है। तो चलिए, आज का मेरा व्लॉग यहाँ पे फिनिश करता हूँ। आई होप को आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। आपको मेरा ये ट्रैक का वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, और अभी तक आपने मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, नए दिन की शुरुआत करेंगे नए ट्रैक के साथ में। तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। Can clearly hear the sound of the vehicles. तो we are very close to finish our summit, finish our trek. तो थोड़े टाइम में अभी हम लोग नीचे उतर जाएंगे। It's a moderate level trek. और मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। If you want to test your limits, if you want to test your confidence level, if you want to test your dedication regarding this trekking, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आना चाहिए। एट एवरी स्टेज इट इज गोइंग टू बी टेस्टेड, डेफिनेटली।
ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है, इतना ब्यूटीफुल ये ट्रैक है, एंड सी हम आके यहाँ पे क्या करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपके पास में कुछ भी वेस्ट मटेरियल है तो आप अपने साथ में नीचे लेके जाइए और सही जगह पे उसको डिस्कार्ड कीजिए। फाइनली हम लोग अभी नीचे पहुंच गए हैं। हार्डली 100 मीटर का डिस्टेंस है अभी कवर करने के लिए, और ये आज का हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया एक एक के साथ।